हाँ इस डोमिनोज से भी ज़्यादा गाइस एग्रेसिव पावर डिलीवरी मुझे फील आ रहा है। बात आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वाइब्रेशन फील आएगा। नाइस 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 100 के ऊपर ना बाइक थोड़ा वॉबल कर रहा है, मतलब हवा ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा पर लैग आ रहा है। चल चल और थोड़ा चल। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय YouTube चैनल इपिमोटो ब्लॉग्स। सो गाइस आप लोग कैसे हो? कल से लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया रहे ना मेरे तरह। सो गाइस देख पा रहे हो मेरे सामने खड़ी हुई है न्यू बजाज पल्सर NS400Z, जिसको ऑलरेडी मैं गाइस रिव्यू एंड राइड रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। लेकिन उस वीडियो पे बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि आप लोग देखना चाहते हो इस बाइक के ऊपर माइलेज टेस्ट, मतलब 400cc पे गाइस आप लोग कैसा माइलेज प्रोवाइड करेगा इन सिटी कंडीशन। एंड मैं टेस्ट करने वाला बहुत ही डिफरेंट तरीके से, जैसे YouTube पे आप लोग वीडियोस देखते हो वैसा नहीं, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता हूँ। तो इसके लिए गाइस आप लोग पूरा वीडियो में जरूर बने रहना। सो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो चलो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं सीधे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए करते रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। सो पहले सिनेमैटिक शॉट देख लो, देन मैं मैलेशियस ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ। सो एवरीवन देख पा रहे हो मेरे सामने जा चुकी है न्यू बजाज पल्सर NS400। आज हम लोग करने वाले इसका माइलेज टेस्ट। सो लुक की अगर बात करूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक आप लोगों को प्रोवाइड करता है, ऐसा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा वेव की नॉर्मल से की नहीं है। इग्निशन को ऑन करते ही फ्रंट के साइड पे LED DRL जो है वो गैस ऑन हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन के साथ LED DRL आप लोगों को मिलता है। एंड कंपनी फीड आप लोग इस वाले मॉडल पर हैज़र्ड भी मिल जाएगा 47mm डायमीटर के साथ UHD 4K। मडगार्ड का थोड़ा ना इधर पे पार्ट जो निकला हुआ है जिससे सस्पेंशन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। एंड और एक चीज़ मैं गाइस दिखा देता हूँ, इस बाइक में अभी जो होडोमीटर है 1 किलोमीटर चला है, बाइक में एकदम टैंक पे फ्यूल नहीं है क्योंकि लोड से निकला है, वो चीज़ मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर पे रीफ्यूलिंग का वार्निंग आ रहा है। सो बाइक में गाइस एकदम ही पेट्रोल नहीं है, अभी हम लोग करने वाले इसे फ्यूल अप, ध्यान देखते हैं कितना क्या माइलेज ये बाइक आप लोग प्रोवाइड कर सकता है। सो गाइस देख पा रहे हो मेरे सामने आ चुकी है 100ml पेट्रोल, अभी हम लोग करने वाले इसे फ्यूल अप। सो 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी आप लोग इस बाइक को जो है राइड कर पाओगे। फ्लेक्स फ्यूल जो है ये मॉडल सपोर्ट करता है। इधर P20 का ब्रांडिंग आप लोग देख पा रहे हो एंड मैं की को हटा दिया हूँ फिर भी देख पा रहे हो 4 इंडिकेटर जो है एक साथ में जल रहा है, मतलब हैज़र्ड जो है आप लोग अगर की को हटा भी देते हो ना उस टाइम पर भी गाइस ऑन रहेगा। सो ये भी एक सेफ्टी फीचर से, अगर आप लोग नाइट के टाइम पे साइड पे रुके हुए हो मतलब एकदम अंधेरा पे, उस टाइम पे ये इंडिकेटर जलेगा लेकिन बैटरी ड्रेन नहीं होगा क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑफ हो चुका है। एंड देख पा रहे हो मतलब वाइजर वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन NS200 की तरह ही आप मुझे लुक लग रहा है। अगर आप लोग फोन से देखते हो उस टाइम पे थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट फील आएगा, फाइजर से थोड़ा निकला हुआ है, मतलब टैंक काउल जो है ना थोड़ा सा साइड पे फेयरिंग जो निकला हुआ है। मेरा हाइट है 5.10 फीट। सो मेरा इजीली गाइस दोनों तरफ पैर पूरा पहुंच रहा है, 5.6 या 5.7 का बंदा इजीली इस बाइक को राइड कर पाएगा। एंड देखते बाइक जो स्टार्ट होता है या नहीं, पहले किल स्विच को ऑन ऑफ कर लेते क्योंकि फ्यूल पम्प पे पेट्रोल जाना ज़रूरी है। यस फाइनली गाइस बाइक जो स्टार्ट हो चुका है एंड इधर पे राइट बाई वायर मिलता है, मतलब एक्सेलेरेटर पे ना गाइस वायरिंग वगैरह नहीं है, फुल्ली सेंसर है जिसकी वजह से आप लोगों को थ्रॉटल पे लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सो ट्रिप ए को हम लोग करने वाले इस पे 0 रीसेट। सो ट्रिप ए को हम लोग इधर पे कर लिया 0। सो चलो राइट करके देखते हैं। सो GoPro मोड पर मैं गाइस पहले आप लोग को एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। सो बहुत ही बेस एंड थम आप लोगों को प्रोवाइड करता है। तो चलो राइट करके देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो टेस्ट करने वाला हूँ बहुत ही डिफरेंट तरीके से टेस्ट करने वाला हूँ, फिर जाकर आप लोगों को बताऊँगा कितना क्या माइलेज ये बाइक आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। सो देख पा रहे हो मेरे पीछे जो है भैया बैठने वाला है, मतलब मैं टेस्ट करने वाला हूँ विथ पिलियन, पीछे जो है भैया बैठ चुका है। तो चलो राइट करके देखते हैं। पहले ना मैं चलूँगा थोड़ा गलियों के अंदर, मतलब उधर पर जाके पहले राइड करेंगे क्योंकि अगर आप लोग कोई भी मशीन बाइक करते हो ऐसा नहीं होगा सिर्फ आप लोग रोड पे खाली से रोड पे राइड करोगे, आप लोग हाईवे गलियों के अंदर हर एक कंडीशन पर राइड करोगे। इसके लिए मैं गाइस कोशिश करूंगा इस बाइक को हर एक कंडीशन पर टेस्ट करके फिर आप लोगों को बताऊं कितना क्या माइलेज ये बाइक आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता है।
सो गलियों के अंदर दिक्कत यही होता है, इस क्लच एंड ब्रेक ज़्यादा करना पड़ता है, इस पर माइलेज पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। एंड एकदम टूटे फूटे रोड है जिसके लिए मैं ज़्यादा स्पीड पर भी राइड नहीं कर पाऊँगा, 10, 12, 15 ऐसे स्पीड पर मैं राइड करूँगा इधर पर। यस, सस्पेंशन की बात करूँ, फ्रंट एंड रियर दोनों ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब डोमिनार पे थोड़ा सा स्टीप मिलता है आप लोगों को फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन का ट्रैवल, लेकिन NS 400 का जो है अच्छा खासा सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप आप लोगों को मिलेगा। एंड यहाँ पर टेस्ट करते हैं हैंडल रेडियस आप लोगों को कैसा मिलता है। यस, ह्यूज मस्कुलर फ्यूल टैंक है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आप छोटे से जगह से इजीली गाइस टर्न वगैरह कर सकते हो। ओह नाइस नाइस। यस, अगर आप लोग सिटी पे राइड करते हो, खराब सी रोड पे राइड करोगे, आप लोगों को कुछ भी गाइस दिक्कत नहीं आएगा, कंफर्टेबल राइड आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। एंड डोमिनार पे जो सस्पेंशन सेटअप है ना, वो गाइस हाईवे के लिए बेहतर है। जब आप हाईवे पे लॉन्ग राइड वगैरह करोगे, हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग वगैरह करोगे ना, उस टाइम पे आप लोगों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा। एंड NS 400 जो है वो थोड़ा सिटी के लिए बेहतर है। सो कुछ किलोमीटर मैंने राइड कर लिया गलियों के अंदर, अभी चलते हैं थोड़ा रोड पे, थोड़ा सा पावर अप करके देखते हैं। एंड अभी बाइक जो है रोड मोड पर है। सो चलो थोड़ा पावर टेस्ट करते हैं। भाई साहब क्या छोटा रिस्पॉन्स है भाई, नाइस नाइस नाइस। इनिशियल टॉर्क गाइस बहुत ज्यादा बढ़िया है, डोमिनार से भी ज्यादा गाइस एग्रेसिव पावर डिलीवरी मुझे फील आ रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव। ओ नाइस, हॉर्न बढ़िया है, क्या ये एग्जॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अभी 90 प्लस स्पीड है, तो ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं कैसा ब्रेकिंग बाइक अगर प्रोवाइड करता है। यस, फ्रंट ब्रेक का बाइक सबसे ज़्यादा अच्छा है। एंड ABS पे भी ये सब मोड्स वगैरह देखने को मिलेगा। यस, फ्रंट एंड रियर दोनों ही गाइस बढ़िया है। नॉर्मल से रोटर मिलता है फ्रंट के साइड पर 320mm का डिस्क, एंड रियर के साइड पर आप लोगों को 230mm का डिस्क मिलता है। सो डुअल चैनल ABS है एंड ट्रिप वन देख पा रहे हो। एंड ऐसा कुछ हैंडल बार मिलता है, फुल स्ट्रेट हैंडल बार है, स्विच क्वालिटी है गाइस बहुत है प्रीमियम यूज़ किया, जैसे KTM पे मिलता है ना वैसा सेम टू सेम आप लोगों को इस वाले मॉडल पर स्विच असेंबली प्रोवाइड करते हैं, जिससे गाइस आप लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर पाओगे। एंड हेड टनल अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एकदम डिफरेंट एंड नया लुक है इंडियन मार्केट पे। एंड राइड बाई वायर मिलता है ना, मतलब एक्सेलरेटर पे वायरिंग वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से पावर पे एकदम ड्रॉप लैग वगैरह आप लोगों को नहीं आएगा। पावर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर रोड स्पीड की बात करूँ, अच्छा खासा ग्रिप करके फिर भाग रहा है। एंड सीट कुशनिंग है, सॉफ्ट है। माइलेज एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इस बाइक से 30 से लेकर 35 तक अप्रॉक्स, क्योंकि बॉडी वेट थोड़ा कम है डोमिनार 400 से, सो इसके वजह से आप लोगों को माइलेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। एंड अगर आप डेली कम्यूट करना चाहते हो ना ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर, आराम से इस बाइक को लेकर राइड कर पाओगे, क्योंकि हैंडलिंग लाइट है। दैन पावर रिस्पॉन्स एग्रेसिव है, टॉप एंड उतना ज़्यादा मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोग जैसे देख पा रहे हो मैं हेवी ट्रैफिक बड़े सिटी कंडीशन पर राइड कर रहा हूँ, और हाईवे पर राइड करता है उस टाइम पर टॉप एंड टेस्ट कर सकता था। लेकिन सिटी पे अगर मैं बात करूँ, इनिशियल टॉर्क इनिशियल बाइट बहुत है बढ़िया, क्लच गाइस छोड़ते ही आप लोगों को पावर की डिलीवरी फील आएगा, एग्रेसिव पावर डिलीवरी करते हैं। देखो नाइस नाइस नाइस, 100 के ऊपर ना बाइक थोड़ा वॉबल कर रहा है, मतलब रोड स्पीड उस टाइम पे अच्छा नहीं है, जैसे डोमिनार पे आप लोगों को हाई स्पीड पर भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है, रोड स्टेबिलिटी मिलता है, वैसा फील नहीं है NS 400 पे। थोड़ा सा लाइट वेट हो जा रहा है हाई स्पीड पर, मतलब 100 जब मैं टच किया ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था। अगर आप लोग लॉन्ग राइड करना चाहते हो, सो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग डोमिनार 400 का बाइक करो। एंड अगर आप लोग सिटी पे डेली कम्यूट करोगे एंड बीच बीच में हाईवे पे जाओगे, उन लोगों के लिए मैं गाइस NS 400 रिकमेंड करूँगा।
इधर पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर रिलायबिलिटी की बात करूँ बहुत बढ़िया है, एंड मैं विद फिनर राइड कर रहा हूँ, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा क्योंकि सीट लेंथ वाइज बढ़िया है, कुशनिंग वगैरह भी आप लोगों को सॉफ्ट मिलता है। सो हाई सीट पर राइड हो गया, गलियों के अंदर भी राइड हो गया। अभी थोड़ा सा इकोनॉमी जोन पर राइड करते हैं, 40 से लेकर 45 ऐसा स्पीड पर राइड करते हैं, क्योंकि हर एक कंडीशन में टेस्ट करने की ज़रूरत है इस बाइक को, फिर जाकर मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा कितना क्या माइलेज है बाइक आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। स्विच कंसोल मुझे गाइस बहुत ही बढ़िया लगा, टैंक की तो कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की तरह ही मिलता है, ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। रोड स्टेबिलिटी हाई स्पीड पर नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इकोनॉमी जोन पर राइड करते हो उस टाइम पर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही स्मूथ है। एंड अगर वाइब्रेशन की बात करूँ, ये 7000 आरपीएम के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वाइब्रेशन फील आएगा फुट पेक्स एंड टैंक पे, एंड 10,000 या 9,000 के ऊपर जब भी जाता है ना वो आरपीएम में कट आप लोगों को मिल जाएगा। इधर पे देख पा रहे ये जो वार्निंग है, हेडलाइट ऑन है जिसके वजह से इधर पे वार्निंग मिलता है, जैसे मैं हेडलाइट को ऑफ कर देता हूँ सो इधर पे वार्निंग हट जाएगा। गियर शिफ्टिंग बहुत ही सॉफ्ट है, हैंडलिंग बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट, मिरर गाइस डोमिनर की तरह ही मिलता है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी का पीछे का व्यू आप लोग अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। एडजस्टेबल लीवर है, आप लोग आपके हिसाब से गाइस एडजस्ट भी कर पाओगे। एंड इस बाइक अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूँ 2,22,780 रुपीज़ ऐसा कुछ इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है। एंड अगर आप लोग चाहते हो तो इस बाइक का मोड को भी चेंज कर सकते हो, सो अभी मैं ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे हूँ सो जिसके लिए ज़्यादा स्पीड है क्योंकि मैं राइड नहीं कर पाऊँगा, 20, 15, 18 ऐसा स्पीड है। सो डेली कमिट करने में कुछ भी गाइस दिक्कत नहीं आएगा, लाइट वेट मशीन है। सो पावर थोड़ा ड्रॉप हो रहा है गाइस, पावर ड्रॉप हो रहा है, थ्रॉटल पर लैग आ रहा है। चल चल और थोड़ा चल, बाइक को साइड कर ले तो कभी बंद हो सकता है। सो फाइनली गाइस बाइक जो है वो बंद हो चुका है, वो चीज़ मैं पहले आप लोग दिखा देता हूँ। बाइक जो है फाइनली बंद हो चुका है, इधर पे ओडोमीटर चला, टोटल 4 किलोमीटर एंड ट्रिप 1 चला है, 3.2 मतलब 32 का माइलेज दिया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब अभी तक ये बाइक जो है फर्स्ट सर्विस वगैरह नहीं हुआ है, सो फर्स्ट सर्विस को पहले गाइस व्हील्स वगैरह जाम रहता है, ब्रेक्स वगैरह जाम रहता है, टायर प्रेशर प्रॉपरली नहीं रहता है, एंड जो चेन है वो भी प्रॉपरली एडजस्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से माइलेज थोड़ा आप लोग कम मिलेगा। फिर भी आप लोग अगर बाइक करते हो पल्सर NS 400 सो 30 तक माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आप लोग इस बाइक को राइड करोगे, लेकिन अप्रोक्स आप लोग 30 का माइलेज इस बाइक से आप लोगों को मिल जाएगा। एंड बहुत लोग कमेंट करते हो क्यों मैं 100 ml पेट्रोल पर माइलेज टेस्ट करता हूँ, देखो 1 लीटर पेट्रोल पे जो माइलेज आएगा 100 ml पेट्रोल पे वही गाइस माइलेज आएगा। सो आप लोगों के लिए भी कैलकुलेट करना आसानी हो जाता है, मेरे लिए भी कैलकुलेट करना आसानी हो जाता है। टैंक को मैं पूरा खाली करके फ्यूल अप करता हूँ, देन टैंक को पूरा खाली कर देता हूँ। सो यही था गाइस माइलेज टेस्ट का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना क्योंकि मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, अगर आप और भी कुछ क्वेरी है जरूर गाइस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, सो बाय।